बॉलीवुड में 10 सालों में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में सुपरहिट ही साबित हुई हैं। अगर अक्षय की 30 मार खान और शाहरुख की दिलवाले को छोड़ दिया जाए तो कोई भी फिल्म इतनी बुरी तरह से नहीं पिटी है, क्योंकि फ्लॉप की लिस्ट में शाहरुख की जीरो का नाम जल्द ही जुड़ने वाला है जनाब। ये तो आप जानते ही हैं कि 200 करोड़ के बजट में बनी शाहरुख की जीरो 5 दिनों के अंदर भी 100 करोड़ नहीं कमा पाई। जिस रफ्तार से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि 10 सालों में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई सभी फिल्मों के मुकाबले जीरो सबसे बड़ी फ्लॉप मानी जा रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि किंग खान ने इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जीरो के हो रहे नुकसान की भरपाई किंग खान को अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि दिलवाले फिल्म के बुरी तरह से फ्लॉप होने पर शाहरुख खान को अपनी जेब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देने पड़े थे। ऐसे में जीरो की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शाहरुख को फिर से अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या जीरो आने वाले दिनों में ठीक ठाक कमाई कर पाएगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।